नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगर आप गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा करके चला दें तो गाड़ी में क्या समस्या आएगी। अब ये वाली गलतियां अमूमन नए ड्राइवर्स करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता और गाड़ी में चलते चलते वो कई बार हैंड ब्रेक निकालना भूल जाते हैं। सो हैंड ब्रेक से आने वाली प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको समझना होगा हैंड ब्रेक क्या है। हैंड ब्रेक एक इंजन से हटके एक मैकेनिकल ब्रेक्स हैं जो आपके टायर्स में अमूमन पिछले टायर्स में ज़्यादातर रहते हैं और उन्हें अगर आप खींच देंगे तो आपके टायर्स लॉक हो जाएंगे। और उसका यूज़ होता है कि जब भी आप गाड़ी को पार्क करें तो आपकी गाड़ी ढलान में या कहीं पर भी जो स्लोप है वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो वो पीछे ना लुढ़के या आगे ना लुढ़के, तो इस यूज़ में हैंड ब्रेक लिए जाते हैं। लेकिन यदि आप हैंड ब्रेक लगा करके गाड़ी चला देते हैं तो होता ये है कि आपके जो हैंड ब्रेक के ब्रेक शू हैं वो घिस जाएंगे या हैंड ब्रेक की एक वायर आती है वो ज़्यादा टेंस हो जाएगी, खिंच जाएगी, आपका जो हैंड ब्रेक की जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। और जब आप एक्चुअल हैंड ब्रेक का यूज़ करेंगे उस समय हैंड ब्रेक काम करना बंद कर देंगे, फिर आपको वही टायरों के आगे पीछे पत्थरों का टेका लगाना पड़ेगा। पहला नुकसान तो यह होता है। और दूसरा नुकसान ये होता है, आपकी जो मेन ब्रेक लाइन है जो इंजन से निकली हुई है ऑलरेडी जब ब्रेक अप्लाइड है तब आपका जो मेन ब्रेक है वो काम नहीं करता है। और मेन ब्रेक के काम ना करने के कारण आप जब प्रेशर देते हैं तो जो ऑयल का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है और उस कारण से आपकी जो मेन ब्रेक लाइन है वो भी फूट सकती है। सो दूसरा उसका नुकसान तो ये हो गया। और तीसरा नुकसान ये है कि आपके इंजन काफ़ी ज़्यादा जो फ्यूल एफिशिएंसी देगा बिना हैंड ब्रेक लगाए गाड़ी चलाएंगे तो वो हैंड ब्रेक लगाने के बाद काफ़ी कम फ्यूल एफिशिएंसी देगा और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दब कर चलेगी, काफ़ी ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, इंजन को ताकत लगानी पड़ेगी। हालांकि हैंड ब्रेक कभी भी उतना पावरफुल नहीं होता कि गाड़ी के इंजन को टेक ओवर कर सके। तो ये चीज़ें थी कुछ, जब आप हैंड ब्रेक लगा करके गाड़ी चला देते हो तो इनका नुकसान होना इन सारी चीज़ों का तय है और फिर आपको अच्छा खासा मोटा खर्चा भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को ये सलाह है मेरी कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीखें तो स्टार्टिंग में ही आप हैंड ब्रेक को निकाल कर सीट बेल्ट को लगा कर प्रॉपर जिस तरीके से जो एक आइडियल वे है गाड़ी चलाने की उसमें सीखें, ताकि आपकी इन चीज़ों की सारी हैबिट धीरे धीरे बन जाएगी। जब भी आपका हैंड ब्रेक लगा के आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो पहली चीज़ तो गाड़ी बीप करती है कुछ इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाया है और ये देख लिया, मतलब कि हैंड ब्रेक इंगेज्ड है। हैंड ब्रेक जब भी इंगेज रहता है यहाँ पर आई बटन आ जाता है, ठीक है। सो अब जैसे मैं थोड़ा सा गाड़ी को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, ये देखिए ये जो बीप आ रही है इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दब करके चल रही है, टाइट चल रही है। सो हैंड ब्रेक को डिसइंगेज कर देंगे तो गाड़ी जो है मतलब चलाने में काफ़ी ज़्यादा फ्री लग रही है और इजीली चल जा रही है। सो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी आप हैंड ब्रेक लगा कर के गाड़ी चलाते हैं तो कुछ बीप इस तरीके की सुनाई देती है जैसी अभी सुनाई दे रही है, और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, डैशबोर्ड के साइंस को आप समझेंगे तो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चला पाएंगे। और यदि आपको पता नहीं है कि डैशबोर्ड में कौन सा साइन किस यूज़ में आता है, सो आई बटन में आपको एक लिंक शो रहा होगा, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं कि कौन सा साइन किस चीज़ का होता है, मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। इतना ही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।